Hello students, how are you? Hope you are doing good. Fine. चलिए तो अभी तक हमने जो देख लिया उसको एक बार recapitulate कर लेते हैं. We started off with introduction, then meaning of economics. उसमें दो तरह देखे थे हमने, economics as per Indian thought and economics as a science in the West. फिर हमने देखा था differences between two things. First was इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका शॉर्टकट क्या था, वी ऑल प्रोसीड इन लाइफ विथ बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. प्रोसीड बना था परसीड, PRCED. और उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने क्या देखा था, ये डिफरेंस किससे पूछो, मासी से, MASISE. उसके बाद देखा था हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन इकोनॉमिक्स. ओके, इट कैन बी डन इन थ्री वेज, डिस्क्रिप्टिव मैनर, डेटा टेबल्स एंड देन ग्राफ्स. उसके बाद देखा था हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स, है ना, तो उसके क्या खींचने थे, पिक्स खींचने थे, PICS. लास्ट लेक्चर हमारा ग्राफ्स पे खत्म हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने ये भी देखा था कि ग्राफ बनाते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, what are the requisite aspects to be taken into consideration while drawing a graph. So, आज का नया टॉपिक क्या है, let us start off with that. Importance of statistical information in economics हमने देख लिया था, तो आज देखते हैं हम importance of economics as a subject क्या है, ठीक है. Now, why we need to study the importance of economics, because this is a question of 3 marks in your examination, point number one. दूसरा, हम जो subject पढ़ रहे हैं हमें मालूम भी तो होना चाहिए ना कि ये subject असल जिंदगी में apply कहां पे होता है या इसकी क्या importance है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है. So meaning of economics वगैरह हो गया, आज देखते हैं कि वो असल जिंदगी में कहां कहां उपयोग में आएगा. In real life, where are we going to apply the principles of economics? That is what we are going to see in today's lecture. ठीक है? चलिए शुरू करें. सबसे पहला, understanding everyday behavior. See, now the question comes. Everyday behavior मतलब क्या है ना? जैसा कि हर रोज सुबह उठना, ready होना, फिर school जाना, school से वापस आना, फिर coaching class में जाना, वहां से वापस आना, होमवर्क करना, फ्रेंड के साथ बात करना, है ना, यही सब आपकी रूटीन लाइफ है. लेकिन ये रूटीन लाइफ में भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड है. सो लेट अस सी दैट, क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड हाउ दे मैनेज देयर रूटीन टास्क. तो रूटीन टास्क में खाली आपके जो टास्क है वो नहीं आए, ओवरऑल बिजनेसमैन भी क्या टास्क परफॉर्म करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, अपने पूरे दिन में वो क्या क्या करता है, और हर जगह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का उपयोग करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन्वॉल्व्ड विद मनी. और हम सब जानते हैं कि आप जो भी काम करो वो किसके लिए होता है, पैसों के लिए. सो नाउ टू टेक अ फील ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस सी समथिंग ऑन योर स्क्रीन. जूता कसके बेल्ट हाउस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल मन में दम, मीरों मीर चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम, दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा पढ़ते जाते यहाँ अलग अंदाज़
राज है, जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं, ये हर दम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, ये किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं, ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैंपस पे ये कलाकारियां करते हैं, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, चलिए तो देखा आपने कैसे एक रूटीन लाइफ, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जीते हैं। फादर एंड द फर्स्ट एल्डर सन वर टू सीरियस अबाउट द वर्क एंड दे वर टू प्रोफेशनल, दे वर ईगर टू गो टू वर्क, जबकि जो छोटा बच्चा है उसकी दुनिया ही अलग है और उसको ये भाग दौड़ से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज अ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। मूवी तो आपने देखी ही होगी तो आपको मालूम है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट यही चीजें इकोनॉमिक्स में भी मायने रखती हैं, और इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आपका डेली बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए काम में आता है। कैसे? मदर वॉज द पर्सन सप्लाइंग ऑल दीज सर्विसेस, सप्लाइंग दिस सर्विसेज टू होम, टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो ये डिमांड सप्लाई के चैप्टर्स भी हम कहां देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स में ही देखने वाले हैं। ठीक है, टाइम की कमी है, आपका डेली टास्क इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो वो कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी, जिसके लिए नंबर्स चाहिए। नंबर्स हमने पहले भी देखा था, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में आता ही है। सो इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेली एक्टिविटीज एंड द डेली बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसमें दो हिस्से हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, बट आर एवरीडे बिहेवियर इज इंफ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ इवेंट्स। दो प्रकार के इवेंट्स हो सकते हैं इसमें। पहला हो सकता है इंटरनेशनल इवेंट, ओके, दैट इज अ प्रेजेंट इवेंट, या फिर वो कोई पास्ट इवेंट हो सकता है। मतलब वी आर अफेक्टेड बाय टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, विच आर दे, फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट विच इज रनिंग इन द प्रेजेंट, और सम अदर इवेंट ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल विच हैपेंड विद अस इन द पास्ट। तो हम प्रेजेंट इवेंट्स की बात करेंगे और कुछ पास्ट इवेंट्स की भी आज बात करेंगे, जिन्होंने हमारे सोचने का तरीका चेंज कर दिया, और ये सोच हमारी जो डेवलप हुई उसके पीछे भी, इसको समझने के लिए भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले कर रहा है। सो फिलहाल लेटेस्ट एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ है यूएसए में। यू ऑल नो यूएसए में क्या हुए थे, रायट्स, और शायद अभी भी चल रहे हैं, बिकॉज वन ब्लैक पर्सन, ठीक है, नेम्ड जॉर्ज लॉयड, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया, लेकिन ये किसने किया ये मालूम नहीं है। अब यूएसए में जो दूसरे ब्लैक्स थे, जो ऑलरेडी कोरोना के कारण बर्बाद हो चुके थे, इन्हें एक बहाना चाहिए था टू टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशन ऑन समथिंग। तो इन्होंने रायट शुरू कर दिए बेस्ड ऑन रेसिज्म, ठीक है। अब ये रेसिज्म वगैरह तो आपको मालूम ही है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, ठीक है, कलर, कि तू ब्लैक मैं व्हाइट, ओके, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिज्म कहते हैं। अब वो रेसिज्म के कारण यूएस में हुए रायट्स, वो रायट्स की असर खाली यूएसए में नहीं होगी, पूरी दुनिया में होगी, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि यूएसए में 30 मई 2020 को क्या सिनेरियो था आपकी स्क्रीन पे।
North Hollywood Division. Kill the cops, Billy Pack. ऐसे कैसे मर्डर हो गया? बोले कॉप्स लोग ध्यान नहीं रखते क्या? अलग अलग शहर के नाम भी ऊपर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट, संस्कारी लोग हैं। Oh my God! देखा आपने कितनी दुखद घटनाएं घट रही हैं इन यूएसए। नाउ यू मे आस्क अ क्वेश्चन, सर यूएसए में हुआ ना, अच्छी बात है, मरने दो, अपने यहां तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। बट डोंट फॉरगेट, यूएसए एक ऐसा नेशन है जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, सो अंडरस्टैंड, यूएसए का जो स्ट्रेंथ है पता है वो क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है? उसका मेन स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर। यूएसए में किसी मॉल में जाओगे ना तो वहां पर मेड इन यूएसए आइटम्स बहुत कम देखने को मिलेगी। आइटम्स मीनिंग गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। और वो इसीलिए क्योंकि इट रिलाइज ऑन अदर कंट्रीज फॉर इट्स ओन डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर यूएसए में चीजें अनस्टेबल रही, यूएसए की इकोनॉमी डाउन गई, उसका परचेजिंग पावर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वही डिप्रेशन दूसरी कंट्रीज में भी पास ऑन होगा। क्योंकि यूएसए का परचेजिंग पावर कम हुआ, अब वो कम खरीदेगा दूसरी कंट्रीज से, तो दूसरी कंट्रीज कम बेच पाएंगी, और जब वो नहीं बेच पाएंगे तो दूसरी कंट्रीज की भी इनकम क्या होगी, डाउन होगी। यस और नो? सो एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, खास करके तब जब वो कंट्री यूएसए जितना पावरफुल हो और दुनिया भर से सामान खरीदता हो, ठीक है। सो दिस इज एन इंटरनेशनल इवेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट यूएसए कि वहां जो हो रहा है होने दो, अपने को क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज नहीं तो कल उसकी असर यहां पे आएगी ही। अब वो आपको नहीं मालूम पड़ता अगर आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसकी मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो ये समझ आपको कौन सा सब्जेक्ट देगा, इकोनॉमिक्स देगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल टू अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इवेंट्स। चलिए, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ऑन देयर ओन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब इंटरनेशनल प्राइस क्रूड ऑयल का कम हुआ तो अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की पूरी चेन मालूम होनी चाहिए कि क्रूड ऑयल के भाव नीचे जा रहे हैं तो हमारे जो इंपोर्ट्स है उसका खर्चा भी कम होगा। जितना खर्चा कम होगा उतना डोमेस्टिक प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन। जितना पेट्रोल का खर्चा कम होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन इजीली होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल गो डाउन। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, नॉट ओनली पीपल, इट इज ऑल्सो ऑफ गुड्स। जब ये प्रोडक्ट्स आसानी से सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो फाइनल कॉस्ट जो कंज्यूमर पे करेगा उसको भी तो फायदा होगा ना, अपना भी कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे आएगा, ठीक है। सो ये समझने के लिए आपके पकड़ में क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई सम कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड अदर्स आर लेस डेवलप्ड।
कहने का क्या मतलब है, कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, यूएसए, यूके, चाइना, जापान, ओके, ऑल दीज कंट्रीज, इवन रशिया, ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी वेल डेवलप्ड, फटाफट डेवलपमेंट किया। तो उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि दे वर एबल टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पहली बार कब जाना था, इकोनॉमिक्स में ही तो जाना था। और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका, इन सब में डेवलपमेंट कम क्यों हुआ है, क्योंकि वो अपने ही रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए भी आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Nowadays, due to modern technology, people get news and information quickly. हाँ, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, ये आपको तो पहले से ही मालूम थी, आपने टीवी में देखा होगा, व्हाट्सएप में वीडियो आया होगा, got it? And nowadays, due to social media also, we get news and information very fast. Okay? So, आज की तारीख में न्यूज फटाफट फैल रहे हैं, इसीलिए उसका मार्केट पे असर भी फटाफट हो रहा है। तो इट गिव्स यू अ डायरेक्ट इंपैक्ट व्हेन द न्यूज इज स्प्रेड इन द मार्केट। इफ दिस इवेंट हैपेंड देन दैट इज द इंपैक्ट ऑन मी एंड आई शुड नाउ बिहेव अकॉर्डिंगली। ये समझ ही आपको कौन दे रहा है, कौन सा सब्जेक्ट दे रहा है, इकोनॉमिक्स दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। अच्छा, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, तो ये तो प्रेजेंट के थे। अब कुछ ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स पहले भी हुए हैं, लेकिन उनको हम इंटरनेशनल इवेंट्स अभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स बोलेंगे, क्योंकि ये कहां पे हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, ठीक है। और कोई भी कंट्री का पास्ट उठा के देख लो, खास करके इंडिया का पास्ट उठा के देख लो, तो हमको पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। कहां गई वो चिड़िया, कौन आके लूट गया, अरे मल्टीपल लोग आए थे हमारे देश को लूटने के लिए, ठीक है। मुगल्स आए, पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, सबसे बड़ा रूल किसने किया, ब्रिटिशर्स ने 200 साल करीब हम पे राज किया। तो ये सब किसके लिए था, क्या लगता है तुम्हें, उन्हें इंडिया बहुत पसंद था कि वाओ लवली इंडियन पीपल, शाहरुख खान बहुत पसंद है हमको, ऐसा था क्या? नहीं, इनको क्या है, यहां पर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे और लोगों में यूनिटी कम थी, तो क्यों ना उस बात का फायदा उठाया जाए जो उनके लिए फायदा था, और हमारे नजरिए से देखो, फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या था, गैर फायदा था, ठीक है। उनका फायदा, हमारा नुकसान, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए थ्रेट थी, और वो आए और हमको लूट के चले गए। उनका भी ऑब्जेक्टिव क्या था, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट ने बहुत सारा खून बहाया है और बहुत सारे लोगों को तकलीफें भी दी है, ठीक है। चलिए, लेट अस सी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रीजंस बिहाइंड वॉर्स, एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड, रिवोल्ट अगेंस्ट गुड्स मेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा। ये सब हमने पढ़ाई है हिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया इंडिया, कौन है ये, वास्को डी गामा, यस, ही केम टू इंडिया एट द पोर्ट ऑफ कैलिकट, ये पोर्चुगीज थे, ठीक है। फिर फ्रेंच, डच एंड सो ऑन केम। फिर मेन कदम किसका पड़ा, ब्रिटिशर्स का पड़ा, अराइवल एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो तहस नहस किया, जो बर्बादी मचाई, अपने कंट्री को ऐसा लुट के गए कि आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू कम बैक ऑन टू दैट पोजिशन ऑफ सोने की चिड़िया। देखो कितना सारा खून बहाया, एक्सप्लॉयटेशन किया, लोगों को मारा, और देखो इतने सारे इंडियंस वो जमाने में मर गए, फिर भी हमारा कैपेसिटी देखो, ठीक है, हम वापस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गए चाइना के बाद, ठीक है, खैर छोड़ो। सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने के लिए भी आपको क्या समझना जरूरी था, इकोनॉमिक्स। तब के राजा महाराजाओं में उतनी अकल नहीं थी कि ये हमको लूट रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ताकि वो हमारा खजाना लेके जा सके, वो समझ तब के लोगों में नहीं थी, और इसीलिए हम बेवकूफ बने, अंदर अंदर झगड़ा करते गए, और हमारे अंदरूनी झगड़ों का फायदा कोई तीसरा ही उठा के लेके चला गया।
ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ना एक ढंग से बहुत लुच्चे लोग थे और ये हमेशा अपना ही फायदा देखते थे, कहीं ना कहीं से कुछ भी करके मुझे मेरा पैसा लाओ, उनको ऐसा था। झगड़ा करवाना पड़े तो करवाओ, मरवाना पड़े किसी को तो मरवाओ, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए। ऐसे लोग थे ब्रिटिशर्स, इनकी इकोनॉमिक्स पे पकड़ सॉलिड थी और इसीलिए वो लंबे समय तक अपनी कंट्री में रूल करके गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, सो पहला पॉइंट हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग डे टू डे बिहेवियर, जिसमें दो प्रकार के इवेंट्स थे जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते थे। क्या? पहला इंटरनेशनल इवेंट्स और दूसरा हिस्टोरिकल इवेंट्स। चलिए अब सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसको देखते हैं। डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल। ओके, नाउ यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल, आई एम ऑल्सो एन इंडिविजुअल, वी ऑल मेक डिसीजंस ऑन डेली बेसिस, और हमारे डेली बेसिस के जो डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए हमें किसकी जरूरत है? इकोनॉमिक्स की जरूरत है। ठीक है, तो लेट अस सी दैट। पीपल ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द एफर्ट्स विच दे मेक, दे ट्राई टू मैनेज देयर टाइम एंड रिसोर्सेस इन एन ऑप्टिमम मैनर टू इंक्रीज द गेन्स, है ना। अब चाहे आप हो या मैं, मेहनत हम में से किसी को नहीं करनी है, लेकिन सबको आगे बढ़ना है, सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क हमें नहीं करना है, किसी को नहीं करना होता। पढ़ाई न तुमको अच्छी लगती है न मुझको अच्छी लगती थी, ठीक है, वो अलग बात है कि अब तुम यूविल में आ गए हो तो तुम्हें अब पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा है। ठीक है, चलिए, या थैंक्स। नाउ इफ यू सी दिस पिक्चर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक बंदा है जो फोन पे भी है, फाइल्स को भी हैंडल कर रहा है, दूसरी तरफ एक और फोन कॉल आ रहा है, सिग्नेचर के लिए एक राइटिंग पैड रखा हुआ है, उसके आगे एक कैलकुलेटर है, वो खुद कुछ लिख रहा है, कितना मेहनत तो आदमी है, कितना सारा काम कर रहा है, लेकिन इतना सारा काम वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इन रिटर्न ही वॉन्ट्स समथिंग। सो एनी एक्टिविटी परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हमें मालूम ही है, बट इसमें हमें यह समझना है कि एफर्ट्स मिनिमम से मिनिमम हो, ओके, और रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, काम कम से कम करें, पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले। अब आप अपने आप को ही देख लो, यू ऑल डोंट वॉन्ट टू पुट एनी एफर्ट्स इन स्टडिंग ऑल्सो, तो हम सब तुमको रेडीमेड समझाते हैं, ठीक है, समझाने के बाद आपको लर्न करने की टेक्निक्स भी देते हैं, फिर हम टेस्ट लेंगे तब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना उस चैप्टर का, और वो पढ़ाई भी कहां से होगी? हम मटेरियल दे रहे हैं ना आपको रेडीमेड, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी हैं, उसके आंसर भी हैं, आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं है, ये हम जानते हैं, और वहीं पे तो हमारा काम आता है, जहां आप मेहनत नहीं करना चाहते वहां हम मेहनत करेंगे, है ना, दैट इज अवर रोल, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रेगुलर क्लासेस जब होती थी ना, फिजिकल क्लासेस, तब बच्चे क्लास में आने की स्पीड है ना बहुत कम होती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, और जैसे ही क्लास छूटता है तो नीचे जाने की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, और नहीं किया तो अब करना, रेगुलर क्लासेस जब शुरू हो तब की बात है। ठीक है, अब जितने भी एफर्ट्स हम करें, हम चाहते हैं हमारा एक एक एफर्ट गिनाया जाए और वो मल्टीपल रिटर्न्स लेके आए, एंड वी ऑल ऑलवेज वर्क ऑन दिस थिंग ओनली, मेहनत कम से कम और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा। फिर चीजें यहां पे खत्म नहीं होती, एग्जाम में क्या आने वाला है उसके लिए सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दो ना, तो वो भी हम देंगे, नहीं हमारा ही काम है ना, आपका तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, सो यू ऑल वॉन्ट दीज थिंग्स ओनली, कि हमारी मेहनत जो है वो कम हो, कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें निकालना है, और ये नॉर्मल बिहेवियर है, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे तो हमारे जैसे लोगों का काम है ना इस इंडस्ट्री में, जो आपके लिए चीजें आसान कर दे। नाउ वी प्रोसीड अहेड, पॉइंट नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी समझना है आपको,
उसके लिए भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे? इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्स पॉलिसीज, वेज पॉलिसीज एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन, पीपल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू बैंक रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन, पॉलिसीज प्रोग्राम्स स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट बैठी बैठी हर रोज कुछ ना कुछ नया मार्केट में लेके आती है, या तो वो टैक्स से जुड़ा हुआ होगा, बराबर, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। इफ यू रिमेम्बर, नरेंद्र मोदी जी ने रात को 12 बजे इस टैक्स को लॉन्च करने का पूरा सेरेमनी हुआ था, रिबन कटिंग सेरेमनी, कि ये इंडिया में एक नया टैक्स आ रहा है। लोगों को टैक्स से नफरत होती है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस एक्टिविटी को पूरे इंडिया से रात को 12 बजे सेलिब्रेट करवा डाला, है ना। मतलब बंदे में दम तो है, कन्विंसिंग तो है, ठीक है, क्योंकि लोगों का पुल उनकी फेवर में है, तो उन्होंने ये कर दिखाया। टैक्स पॉलिसी को लेकर रैपिड चेंजेस आए, वो अलग बात है कि आने वाले 6 महीने तक लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, बट आफ्टर 6 मंथ्स नाउ ऑल आर हैप्पी एंड दे आर नाउ कन्वर्जेंट विद द फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब उसका इंपैक्ट आप पे क्या आएगा, ये समझने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत है। हम पे पहले सर्विस टैक्स जब था ना 15% लगता था, जीएसटी आने के बाद वो हो गया 18%, तो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी 3% से क्या हो गई, कम हो गई ना। तो हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप खाली ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे क्लास में आप पार्टनर भी हैं, क्योंकि जितना हम लेके आते हैं पब्लिक से, उसमें से पहले 18% तो आप ही लेके जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट लेके जाती है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हमारी क्या हुई, पार्टनर हुई, हमारी सर्विसेज में पार्टिसिपेंट हुई। ठीक है, सो ये टैक्स पॉलिसी जो भी इंट्रोड्यूस होती है उसका आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा, आपके परचेजिंग पावर पे असर पड़ेगा, उसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इस देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है, है ना, जितनी भी बैंक्स हैं उनका बाप है, उनका पप्पा है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उसका लोगो है। ठीक है, और दो रेट्स आपको टेक्स्ट बुक में दिखेंगे, ठीक है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। फिलहाल आपको ये दो शब्द खाली याद रख लेने हैं। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा 12th में जब आप आएंगे तब। ठीक है, फिलहाल आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। कमर्शियल बैंक्स को जब पैसों की जरूरत है वो आरबीआई के पास जाता है और पैसा मांगता है, आरबीआई पैसा देता है, कुछ रेट चार्ज करेगा, इस रेट को हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा कर लो, ठीक है, आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं और कमर्शियल बैंक्स उनको पैसा देते हैं। ओके, इट इज एट सम रेट, दैट रेट इज रिवर्स रेपो रेट। चलिए, अब ये जो भी लेन देन है बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स, खाली उनको असर नहीं कर रहा है, पब्लिक को भी असर कर रहा है, क्योंकि जितना महंगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी उतना ही महंगा कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन देंगे, और जितना सस्ता आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देंगे उतना ही सस्ता लोन कमर्शियल बैंक से पब्लिक को भी मिलेगा। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी पॉलिसी ने किसको असर किया, मेरे को असर किया, वो समझने के लिए क्या जरूरी है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम सब करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन हम वो डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि आज स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, आज क्लास जाऊं कि ना जाऊं, वो तो रूटीन डिसीजन हो गया। ये कौन सा डिसीजन है, प्रोफेशनल। मतलब क्या, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो यू नीड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है,
इकोनॉमिक्स इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थियरीज विच हेल्प अस टू टेक प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग थियरीज हेल्प्स अस टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग वेज डिटर्मिनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा, है ना। चलिए बारी बारी करके इसको समझते हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ गया, क्या दिखाता है ये पिक्चर, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू येलो में है और कॉस्ट रेड में है, क्योंकि रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम, और इनकम देखो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और कॉस्ट मतलब एक्सपेंस जो आपकी जेब से बाहर जा रहा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इस कॉस्ट को आप कम से कम लेके जाएं, ठीक है। सो रेवेन्यू यू शुड बी एबल टू मैक्सिमाइज एंड कॉस्ट यू शुड बी एबल टू मिनिमाइज। ये डिसीजन लेने के लिए आपको पहले इकोनॉमिक्स चाहिए होगा कि मैं मार्केट से रेवेन्यू कैसे जनरेट करूंगा, जब मार्केट में मेरे गुड्स बिकेंगे, जब मार्केट में मेरे गुड्स की डिमांड होगी, और मैं कॉस्ट को मिनिमाइज कब कर पाऊंगा, जिनसे मैं सामान खरीद रहा हूं वो मुझे सस्ते में सामान दे दे तो, और वो सस्ते में कब देगा, जब मैं उससे बल्क में सामान खरीदूंगा। सो इफ देयर इज अ सप्लायर हु इज गिविंग यू रॉ मटेरियल एंड यू आर बाइंग एवरी टाइम 1000 यूनिट्स, द प्राइस इज गोइंग टू बी ₹5 लेट अस से पर यूनिट। सो 1000 इंटू 5 कितना खर्चा हुआ, 5000 रुपीज हुआ। अब आप उसको जाके बोलेंगे मैं 1000 नहीं लूंगा तुझसे, 2000 लूंगा, लेकिन प्राइस फिर मैं एक यूनिट का 5 नहीं दूंगा, 4 रुपया दूंगा, चलेगा? हो सकता है कि वो हाँ बोल दे, क्योंकि 2000 यूनिट उसके भी तो एक साथ बिक रहे हैं ना, सो उसकी डिमांड बढ़ी, तो वो हो सकता है कि आपको सस्ते में सामान दे दे। ऐसे करके बल्क परचेजिंग से आप लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है डीमार्ट, है ना। कोई भी बड़ा सा मॉल ले लो, वहां पे चीजें सस्ती क्यों मिलती हैं, क्योंकि दे डायरेक्टली बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड दे बाय दीज थिंग्स इन बल्क। सो मैन्युफैक्चरर उनको सामान सस्ते में देगा, जब उनको सस्ते में पड़ेगा तो वो भी कस्टमर को सस्ते में ही बेचेंगे ना। और इसीलिए देखो मॉल्स में भीड़ बहुत होती है, उनके गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए इन सब में क्या इन्वॉल्व हुआ, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे, वैल्यू एंड प्राइस, विच मींस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, उसके सामने जो आप चार्ज कर रहे हैं वो क्या है, प्राइस। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग यू एजुकेशन, दैट्स योर वैल्यू, अगेंस्ट दैट वी आर चार्जिंग फीस, दैट इज अवर प्राइस, ओके, मतलब प्राइस फॉर अवर सर्विसेज। सो प्राइस और वैल्यू क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। अगर मैं प्राइस ज्यादा चार्ज करूं और आपको वैल्यू कम दूंगा, इस इंडस्ट्री में मैं टिक नहीं पाऊंगा। अगर मैंने प्राइस कम चार्ज करी, उसके सामने वैल्यू ज्यादा दे दी, तो फिर मुझे लॉस होगा। सो जितना मैं प्राइस चार्ज करूंगा, उसके सामने उतना वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा, तो ही बैलेंस में चलेगा। क्योंकि कोई भी इंसान आके पूछेगा कि सर यू आर गिविंग दिस वैल्यू, अगेंस्ट दैट यू आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, देन आई एम आंसरेबल टू देम। एट द सेम टाइम इफ आई गिव यू लॉट ऑफ वैल्यू एंड चार्ज अ वेरी नेग्लिजिबल प्राइस, देन आई विल बी अनहैप्पी। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड वैल्यू। जो सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं उसकी एक वर्थ नक्की होनी चाहिए, जिसमें आपको भी कोई दुख ना हो और मुझे भी कोई दुख ना हो, ठीक है। सो उसके लिए समझना पड़ेगा क्या वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, और वो सब समझेंगे हम कहां पे, इकोनॉमिक्स में, यस। फिर नेक्स्ट इज आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आया, थोड़ा नजदीक आके देखो, नजदीक आओ, चलो देखो, आपको दिख रहा है, तो जो कम कॉइन्स है ना, ठीक है, वहां पर आपने जो स्ट्रक्चर देखा वो मोर और लेस स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, फीमेल्स का दिख रहा है ना, और जहां पे ज्यादा पैसे हैं वहां पे देखो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एक मेल का स्ट्रक्चर है। कहने का ये मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लेबर जब अपनी सर्विस देता है तो बदले में क्या चार्ज करता है, वेजिस,
और वेजेस आपको मालूम है कि फीमेल्स को इंडियन सोसाइटी में पैसे कम मिलते हैं और मेल्स को ज्यादा मिलते हैं, इफ दे आर एट द सेम पोजिशन। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मेल्स ज्यादा कमाएंगे फीमेल्स कम कमाएंगी, नो, सेम पोजिशन है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेल है और फीमेल है तो मेल को ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसका क्या कारण है? क्योंकि मेल्स को हम लेट नाइट तक काम करवा सकते हैं, फीमेल्स को लेट नाइट तक काम नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी घर की भी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फीमेल्स हैव देयर ओन लिमिटेशन, सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी क्या प्राइसिंग आप रखोगे वो भी प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में आएगा कि जो जिसकी काबिलियत है, जो जितने आवर्स दे पाएगा उतना वो पैसा लेके जाएगा। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सब कहां पढ़ने में आता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ने में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कस्टमर्स कंज्यूमर्स, और ये कब होंगे? जब सामने कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होगा। सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कंज्यूम दोस गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर ये गुड्स किसके लिए बना रहा है? कंज्यूमर के लिए ही तो बना रहा है। कंज्यूमर का इच्छा क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मजा ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन जब प्राइस देने की बारी आती है तो वो पैसा कम से कम देना चाहता है। और उसके सामने जब आप प्रोड्यूसर से पूछेंगे ना भैया तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे को मैक्सिमम प्राइस मिलनी चाहिए। दोनों के ऑब्जेक्टिव एकदम अपोजिट है। कंज्यूमर इज विलिंग टू गो फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। इनकी साइकोलॉजी एकदम अपोजिट है। तो इसका सॉल्यूशन कहां पे छुपा हुआ है? इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स में छुपा हुआ है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए ये आंसर तो हो गया, अब इसको लर्न कैसे करना है? ऑन योर स्क्रीन अ शॉर्टकट। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ये हमने आज देखा था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हमने कैसे पढ़ा? यस, बेड पे सो के हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कई लोग की हैबिट होती है बेड पे सो के पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट गुड। चलिए, तो अपना जो शॉर्टकट है वो हमेशा किस में लिखा होता है? रेड में। ठीक है, सो बेड पी ई डी, बी फॉर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग ऑन डेली बेसिस। ओके, ऑन डेली बेसिस वी से व्हाट? हाय। ऑन योर स्क्रीन ऑन डेली बेसिस वी से व्हाट? हाय। सो एच आई जो पर्पल में लिखा है वो इसके सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, एच फॉर यस हिस्टोरिकल इवेंट्स, आई फॉर यस इंटरनेशनल इवेंट्स। ओके, फिर बी हो गया, अब आएगा ई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्या हुआ? जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, जीडी इज अगेन रिटन इन पर्पल, तो वो उसका सब पॉइंट बनेगा। जी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, डी फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, और फिर बेड में बी और ई हो गया, बचा क्या? डी, सो डिसीजन मेकिंग प्रोफेशनली। जो अपना पॉइंट क्या था? प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। लेकिन लर्न करने के लिए हमने शब्दों के साथ थोड़ी सी हरकत करी है, जो आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेड पे सो के हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बिफोर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे हम क्या बोलते हैं? हाय। एच आई, H for historical events, I for international events, फिर E for economic importance, उसका क्या हुआ? Group discussion, G, D, G for government policies, D for decision making, और फिर D for decision making professionally. So B, E, D red में, high और GD purple में, क्योंकि वो उसके sub points है। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। Okay, bye.